हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 6 अप्रैल शनिवार नवरात्र, राशि अनुसार ऐसे करें माँ का पूजन, जल्द पूरी होगी मनोकामना। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में सभी लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और सभी भक्त अपने अपने तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं व माँ की भक्ति करते हैं। साल 2019 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 6 अप्रैल शनिवार से शुरू होकर 14 अप्रैल रविवार तक चलेगा, जिसमें कई शुभ योग भी बनेंगे। ज्योतिष अनुसार इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए यदि अपनी राशि अनुसार कुछ आसान उपाय व माँ की आराधना की जाए तो व्यक्ति की किस्मत भी चमक सकती है। आइए जानते हैं राशि अनुसार कौन सा उपाय आपको क्या फल देगा। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। ज्योतिष अनुसार इस राशि के जातकों को दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा व पूजा में लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही माँ की कृपा पाने और कार्यों में विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। ज्योतिष अनुसार वृषभ राशि के जातकों को नवरात्रि में विशेष रूप से माता के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना, पूजा में सुगंधित फूलों का प्रयोग और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही मनोकामना पूर्ति और अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। ज्योतिष अनुसार इस राशि के जातकों को दुर्गा माँ के 2रे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान व दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है और माना जाता है कि ऐसा करने पर भक्त को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए नवरात्र में दुर्गा माँ के 1ले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना व लाल पीले रंग के फूल अर्पित करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके साथ ही माना जाता है कि दुर्गा एवं लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करने से कार्यों में सफलता और धन संबंधी दिक्कतें भी दूर होती हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इस राशि के लोगों के लिए नवरात्रों में दुर्गा माँ के 4थे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करना व माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना बेहद ही शुभ होता है। जीवन में सफलता पाने और आरोग्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा माँ के मंत्रों का 108 बार जाप करना भी बेहद लाभकारी बताया गया है। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। ज्योतिष अनुसार इस राशि के लोगों विशेषकर छात्र वर्ग के लिए दुर्गा माँ के 2रे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माता विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करके विद्यार्थियों को सफलता का वरदान देती है। साथ ही माता को लाल फूल व 9 कन्याओं लाल चुनरी दान में देना भी लाभकारी माना गया है। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। इस राशि के लोगों को दुर्गा माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा व उपासना करना व पीले रंग के फूल अर्पित करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही तुला राशि के जातक नवरात्रि में यदि माँ काली चालीसा या सप्तशती का पाठ करें तो ऐसा माना जाता है कि इससे कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। ज्योतिष अनुसार इस राशि के जातकों के लिए नवरात्रों में स्कंद माता की उपासना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ और फायदेमंद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पर मनोकामना प्राप्ति और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के जातकों को मन से सारे भय और परेशानियों के निवारण के लिए दुर्गा माँ के शक्तिशाली स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करना आपको समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। इस राशि के जातकों के लिए नवरात्रों के दौरान माँ कालरात्रि की पूजा भक्ति करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है और कभी भी किसी वस्तु का जीवन में अभाव नहीं रहता। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। नवरात्रों में कुंभ राशि के जातकों के लिए माँ कालरात्रि की उपासना करना बेहद फलदायी माना गया है। मान्यता है कि यदि इस राशि के जातक देवी कवच का पाठ करें तो जीवन में अंधकार और निराशा के समय माँ अपने भक्तों का उचित मार्गदर्शन करती है और उन्हें समृद्धि प्रदान करती है। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के जातकों के लिए माँ चंद्र घंटा की उपासना करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही नवरात्रों में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मीन राशि के जातकों को जीवन में सफलता की प्राप्ति
होती है और जीवन के हर कष्ट को माँ दूर करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों, तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।